हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ईशा मेहरा फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं और कमेंट करके हमेशा मुझसे एक अच्छा और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप रिक्वेस्ट करते हैं। और मैं भी आप लोगों के लिए चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप मैं आपके लिए ऐसी एक्सरसाइज लेकर आऊँ जिसको आप इजीली कर सकें और जिससे आप अपनी बॉडी में खुद इफ़ेक्ट देखें और मुझे उसका रिजल्ट बताएं। तो मैं आपको बताती हूँ, आज की जो वीडियो है इसमें तीन सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना, आपको 5 मिनट देने हैं। 3 एक्सरसाइजें 5 मिनट इनफ है आपको जो देना है और आप इजीली कर सकते हैं इसको। आपको ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना, आपको कहीं जाना भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत इजी है। तो मैं आपको बताती हूँ इन एक्सरसाइज को करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से करनी है। सभी की आजकल लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी स्किन डल हो जाती है, हमारा बॉडी का फैट भी बढ़ने लगता है। तो हम वो सब चीज़ें स्ट्रेस तो नहीं कम कर सकते, बट बॉडी फैट कम करने में आपकी ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ। तो ये एक्सरसाइजेज़ के लिए आपको कोई भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, पिल्स खाने की ज़रूरत नहीं, कुछ अप्लाई नहीं करना। जैसे आप मार्केट में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, 1 मंथ में आपका 10 kg या 20 kg वेट लूज़ करने की गारंटी देते हैं, बट वो 101% आपकी स्किन पर इफेक्ट करती है, आपकी बॉडी पर इफेक्ट करती है। आप एक बार खा तो लेते हैं और जैसे ही स्टॉप करते हैं वो पिल्स, आप वापस उसी शेप में आ जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो में जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताती हूँ वो बहुत ही यूनिक एक्सरसाइजेस होती हैं, ईजी एक्सरसाइजेस होती हैं, जो आप इजीली कर आप वापस उसी शेप में नहीं आएंगे। अगर आप रेगुलर करेंगे तो बल्कि आप पतले हो जाएंगे, आपकी बॉडी जो है टोन्ड हो जाएगी, आप शेप में आ जाएंगे। तो ये 3 एक्सरसाइजेस मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से अपना काम करती हैं और आपके बॉडी पर कितना इफेक्ट देगी। तो चलिए आइए मेरे साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, योगा मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली आप ज़मीन पर एक्सरसाइज मत करिएगा क्योंकि इससे आपका बैक में या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो इफेक्ट नहीं करती, आपको पेन स्टार्ट हो जाएंगे। और आप किसी सॉफ्ट मैट्रेस का भी इस्तेमाल मत करिएगा, या तो हार्ड गद्दे का अगर ज़मीन पर कर रहे हैं तो योगा मैट का या दरी का इस्तेमाल करिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज का नेम है प्लैंक, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस तरीके से आप मुझे फॉलो करिएगा। आप इस तरह से लेट जाइए, हाथों को आगे तरफ करिए और अपनी फीट को बिल्कुल जॉइंट नहीं करना है, बहुत वाइड भी नहीं करना और जॉइंट भी नहीं करना, इतना स्लाइटली गैप रखना है, हैंड्स का भी गैप रखना है और अपनी बॉडी नेक स्ट्रेट रखना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और इसी पोजीशन में आपको 15 सेकंड तक होल्ड करना है अपनी बॉडी को। उसके बाद आप इजीली झटके में मत उठेगा, आराम से आप उठिए, टर्न होके आप स्ट्रेट बैठ जाइए। ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ आपको, थाई एंड बटॉक वर्कआउट। इसका इफेक्ट जो आएगा आपकी थाइस पर आएगा, आपके हिप्स पर आएगा, जो एक्स्ट्रा फैट है वो चला जाएगा और आपकी टोन्ड हो जाएगी, लेग्स बहुत शेप में आ जाएंगे, सुंदर दिखेंगे आप। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है। हैंड सपोर्ट ले लीजिए, लेग्स थोड़ा पीछे रखिए, हैंड्स में ज़्यादा गैप मत करिए। आपको अपना लेफ्ट आर्म आगे करना है, लेफ्ट हैंड आगे लेके जाना है और राइट लेग पीछे लेके जाना है। इस तरीके से आपको होल्ड करना है पोजीशन को। उसके बाद लेफ्ट हैंड आपको इस तरीके से नी पे टच करना है। करेक्ट, आप बिल्कुल अब दोबारा उसी पोजीशन में जाइए, हैंड आगे करिए और लेग पीछे करिए और स्टेबल रहिए। अगेन आप ज्वाइन करिए अपना लेग, अपना हैंड आगे लेके जाइए, नी तक टच करिए इस तरीके से, चेस्ट तक लेके जाइए अपनी लेग को। यही सेम चीज आप सेकंड हैंड से, अपने राइट हैंड से आप करिए, राइट हैंड को आगे लेके जाइए और लेफ्ट लेग को पीछे। पोजीशन होल्ड करिए, उसके बाद अपनी लेग को आगे चेस्ट तक लेके जाइए और आर्म को भी ज्वाइन करिए, नी से ज्वाइन करिए। करेक्ट, इसी पोजीशन को, इसी रिपीटेशन को आपको करते रहना है कुछ सेकेंड्स के लिए, उसके बाद अपना टाइम पीरियड बढ़ा देना है। इसका पूरा इफेक्ट आप इसको रिपीटेशन कर सकते हैं, कितने भी रैप्स में कर सकते हैं, 10 रैप्स, उसके बाद 20 रैप्स, आप जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे आपका इसका पूरा इफेक्ट आपकी थाइस पे और आपके बैक पर आएगा। ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, इसका इफेक्ट भी आपकी पूरी बॉडी पर आएगा, आपके एब्स पर आएगा, आपके ऊपर चेस्ट पर आएगा, आपकी चेस्ट शेप में हो जाएगी, आपका बेली फैट कम हो जाएगा, वेस्ट लाइन कम हो जाएगा। आपको बताती हूँ उसको किस तरीके से करना है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेट होके लेट जाना है, एकदम सीधा रखना है,
उसके बाद अपने अपने हैंड्स अपने फेस के साइड में रखने हैं और फिर उनको स्लाइटली सा ऊपर लेके जाना इस तरीके से, और अपने फीट दोनों लेग्स ऊपर रखने हैं। आपको अपने लेग्स को जितना पुश हो सके ऊपर की तरफ लेकर आना है, क्योंकि अगर आप अपनी लेग्स ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो आपको खुद फील होगा उसका सारा स्ट्रेस जो आपके मसल जो खींच रही हैं वो टमी की खींच रही होंगी, तो उससे आपका टमी फैट कम हो जाएगा। आर्म्स स्ट्रेट रखने से आपका आर्म्स का फैट लूज हो जाएगा। इस तरीके से आपको पोजीशन होल्ड करके रखनी है कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद आपको वापस उसी पोजीशन में आ जाना है। अगेन इसको रिपीट करना है सेम तरीके से, आर्म्स आके सीधी लेके जानी है, लेग्स ऊपर की तरफ अप ऊपर की तरफ पुश करनी है, आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, नीज अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और जितना ऊपर हो सके लेके जाना है अपनी लेग्स को, होल्ड करना है इस पोजीशन को और फिर वापस आ जाना। इसको आपको रिपीट करते रहना है, आप कुछ सेकंड्स के लिए करिए फिर टाइम लिमिट बढ़ाइए। ऐसे आपको हर एक्सरसाइज में करना है, आप टाइम लिमिट बढ़ाते जाएंगे तो उतनी ही आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट आएगा, आपका वेस्ट लाइन कम हो जाएगा, आपका पूरी बॉडी का फैट कम होने लगेगा। तो देखा फ्रेंड्स, जैसे आपको मैंने एक्सरसाइज करके बताई सेम आपको एज इट इज मुझे फॉलो करना और आप स्लिम हो जाएंगे, आपकी बॉडी टोन्ड हो जाएगी, आप अपनी बॉडी को शेप पे ले आएंगे, फिट दिखेंगे और सुंदर दिखने लगेंगे। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मैं कभी भी आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करती बहुत हार्ड एक्सरसाइज जो आप कभी फॉलो नहीं कर सके। आपको बस यही एज इट इज ये तीन एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट्स आपको देने और अपना अपना बॉडी आप शेप में लेकर आ पाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज रेड बटन प्रेस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बहुत सारा लाइक करिए प्लीज़ प्लीज़, मेरी वीडियोस को बहुत सारा लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ आपके थ्रू ये सबके पास जाए और सब अपना वेट लूज कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके और सुंदर दिख सके। और साथ में आपको अगर मेरे साथ कोई सजेशन आपका है, आप मुझे शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपके सजेशंस हैं, क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपको मुझे से पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।